बिसम ला क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज़ ट्वेंटी वन पॉइंट थ्री का इंटरेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ये आपके पास है चैप्टर पार्शियल फ्रिक्शन इसमें हम दो केसेस को डिस्कस कर चुके हैं केस नंबर वन की एक्सरसाइज़ ट्वेंटी पॉइंट वन थी केस नंबर टू की एक्सरसाइज़ ट्वेंटी वन पॉइंट टू थी जो कि मैंने आपको करवा दी है आज हम करेंगे केस नंबर थ्री जिसकी एक्सरसाइज़ होगी ट्वेंटी वन पॉइंट थ्री इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल्स को सॉल्व करवाऊंगी और बताऊंगी कि आपके पास केस नंबर थ्री में क्या कहा जा रहा है एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे केस थ्री है आपके पास डिनोमिनेटर कॉन्सिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स अब डिनोमिनेटर में जो है वो आपके पास नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे ठीक है तो किस तरह से अब आप सॉल्व करेंगे अब नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे एक्स स्क्वायर होगा फैक्टर में क्या होगा अब आपके पास एक्स स्क्वायर ये हैं और नॉन रिपीटेड का मतलब वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे लेट आर एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज आ रैशनल फ्रैक्शन वे आर इट्स डिनोमिनेटर क्यू एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड इड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स अब आपके पास ऐसा प्रोडक्ट होगा आपके पास क्यू एक्स जो डिनोमिनेटर में है वो आपके पास नॉन रिपीटेड इिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो सकता है ठीक है रिपीट भी नहीं हो रहा होगा और मजीद रिड्यूस नहीं हो सकता होगा ठीक है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं कर सकते होंगे आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसे आप मजीद रिड्यूस नहीं कर सकते तो ए वन एक्स स्क्वायर अपॉन बी वन एक्स प्लस सी वन तो ऊपर आ जाएगा ए वन एक्स प्लस ए टू ठीक है यहाँ पर अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है तो ऊपर एक्स ए थ्री एक्स प्लस ए फोर ए अगर आपके पास रिपीटेड हो रहा है ठीक है अभी आपको इस तरह से जनरल में ना समझ में आए तो एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझा देती हूँ यहां पर एन आर टू बी फाउंड दिस मैस्ट थर्ड इज एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स अब एग्जाम्पल वन आपको दी हुई है रिजोल्व सेवन एक्स स्क्वास फ्रैक्शंस अब ये आपके पास नॉन रिपीटेड नॉन रिपीटेड इेड्यूसेबल क्वारेटिक फैक्टर है अब कॉर्डेटिक क्यों क्योंकि क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर है अब एकक्वायर प्लस टू का कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता आपके पास ठीक है मजीद इसको हम ब्रेक नहीं कर सके मजीद इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते तो आपने करना क्या होगा सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थर्टीन डिनोमिनेटर एज इट इज यहाँ पर अब आपने एक्स प्लस वन के लिए ए वन ही आएगा क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है इधर एक्स स्क्वायर है तो इधर ए टू एक्स प्लस ए थ्री दो कॉन्स्टेंट यूज होंगे एक एक्स के साथ एक आपके पास कॉन्स्टेंट विदाउट एक्स और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस अब आपने डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए यही करना होगा जो आप पहले करते थे कि आपने एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू से क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर आपके पास दोनों तरफ से खत्म हो जाएंगे यहाँ पे आपके पास एक्स प्लस वन था तो आपके पास ए वन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी तरह से आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू है तो एक्स प्लस वन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए टू एक्स प्लस ए थ्री से सिंप्लीफाई करेंगे अब एक्स स्क्वायर की टर्म एक तरफ एक्स एक तरफ और कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ अब आप कंपेयर कर सकते हैं अब आप ए वन ए टू ए थ्री को आपने फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं टू डिटरमाइन कांस्टेंट्स ए कांस्टेंट्स ए वन ए टू ए थ्री वैल्यूज ऑफ एक्स आर चूजन टू गेट ए वन पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन अब अगर आप ए वन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं देखिए ए वन ए टू है ए टू ए थ्री ए वन ए थ्री है तो कोई भी आपके पास एड नहीं हो रहा यहाँ पर तो हम क्या करेंगे हम एक्स की जगह कोई वैल्यू को पुट करेंगे ऐसी वैल्यू को पुट करेंगे कि आपके पास कोई जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं वो जीरो हो जाए और एक कॉन्स्टेंट जो है वो आपके पास रिमेनिंग बचे देखिए अगर हम ए वन को एक्स इजिकल टू माइनस वन पुट कर रहे हैं तो हमें पहले ये सोचना है अगर हमें ना पता हो ये तो हम कैसे सोचेंगे भाई हमें क्या करना है तो हम इस तरह से करेंगे कि आपके पास अगर हम एक्स को माइनस वन रख रहे हैं तो यहाँ तो प्लस वन हो जाएगा यहाँ माइनस ए टू और माइनस का ए थ्री हो जाएगा ठीक है और यहाँ से टू ए वन प्लस ए थ्री हो जाएगा आपके पास ठीक है तो यहाँ से एड सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास है ए टू माइनस का यहाँ पे प्लस का ए टू ए टू खत्म हो जाएगा ठीक है नाउ माइनस का ए वन आपके पास यहाँ से प्लस का टू ए वन अच्छा पुट करके ही देख लेते हैं सेवन पुट करके ही देखिएगा ताकि आपको आसानी से आ जाए सेवन एक्स स्क्वायर की जगह माइनस वन पुट किया x की जगह माइनस वन पुट किया थर्टीन एज इट इज़ ए वन एज इट इज़ यहाँ पे अब आप आपने क्या किया माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू ए टू इज इक्वल टू माइनस वन ए थ्री एज इट इज़ माइनस वन प्लस वन ठीक है आपने क्या करना है आपने जस्ट यहाँ पर सिम्प्लीफाई करना है आप मैं आपको जो है वो करके दिखाती हूँ अब बुक में आपके पास वैल्यूज़ को पुट करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मैं आपको बहुत ईजी करके समझाती हूँ देखिए सेवन है एक्स की जगह आपने माइनस वन रखना है फाइव एज़ एक्स की जगह आपने माइनस वन रखना है ठीक है प्लस का थर्टीन एज अब ए वन प्लस ए टू एज इट इज़ एक्स की जगह आपने माइनस वन रखना है इसका को ए टू प्लस ए थ्री एज इज़ एक्स की जगह आपने माइनस वन रखना है ए टू ए वन प्लस ए थ्री एज इज़ ठीक है ये आपके पास सारी चीज़ें हैं इट इज़ आ गई ना हो अब आप सिंप्लीफाई करेंगे माइनस वन का स्क्वायर है प्लस वन हो जाएगा इस साइड को मैं भी नहीं कर रही मैं आपको इस साइड को समझा रही हूँ क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड साइड है ठीक है ए वन भी प्लस का ए टू भी प्लस का क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा ये माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का ए टू माइनस का ए थ्री प्लस का टू ए वन प्लस का ए थ्री प्लस का ए थ्री माइनस का ए थ्री माइनस का ए टू प्लस का ए टू तो देखिए ए वन ए वन ही बच्चे आपके पास तो ये हो जाएंगे थ्री ए वन अब आपने इस साइड को तो सिम्प्लीफाई कर लिया ये साइड तो बिल्कुल आज आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगी बहुत ही आसानी से माइनस वन का स्क्वायर क्या प्लस वन हो जाएगा सेवन वन दैवन माइनस फाइव प्लस थर्टीन तो फिफ्टीन आ जाएगा आपके पास सिम्प्लीफाई होके फिफ्टीन यहाँ मल्टी थ्री यहाँ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा तो फाइव आ जाएगी ए वन की वैल्यू अब बाय क्वेटिंग अब देखिए इसमें आपके पास ए वन आपका आ गया तो आप ए वन को फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों को इक्वेट करकेजन थ्री वी गैट तो आपके पास ए वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर की टर्म्स को इक्वेट हैं आप तो यहाँ सेवन के इक्वल कर लिया अब ए वन की वैल्यू आपको पता है तो ए टू आ गया यहाँ से करें तो ए वन आपको पता है ठीक है या फिर ए टू ए प्लस ए थ्री एक्स के टर्म्स को कर लें तो ए टू प्लस ए थ्री इक्वल है आपके पास फाइव के तो ए टू आपको पता है टू है या फिर यहाँ से भी करें तो देखें ए की थ्री की वैल्यू सेम ही आएगी टू ए वन देखें मैं आपको करके बता दूँ टू ए वन ए थ्री इक्वल है थर्टीन के तो ए वन की वैल्यू है आपके पास फाइव प्लस ए थ्री इक्वल है थर्टीन के टू फाइव साइड टेन प्लस ए थ्री इक्वल है थर्टी के टेन या प्लस हो रहा है वहाँ जाके क्या करेगा माइनस करेगा तो ए थ्री की वैल्यू आ गई टेन देखें आपने एक्स वाले टर्म्स को फाइंड यूज करते हुए अगर आपने फाइंड आउट किया है अगर आपने कांस्टेंट यानी एक्स वाले टर्म्स को इक्वेट करके को, एच थ्री को फाइंड आउट किया तब भी आपके पास थ्री आया अगर आपने कॉन्टेंट टर्म को इक्वेट करके फाइंड आउट किया थ्री भी आपके पास टेन ही आया तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी टर्म्स को इक्वेट करेंगे तो यह आपने जो है ना इससे कन्फ्यूजन नहीं आपने होनी चाहिए कि आप इससे करेंगे तो ऐसा हो सकता है नहीं आंसर सेम ही आना है तो आप किसी को भी चाहे इक्वेट कर लें ठीक है फाइनली पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए वन ए टू ए थ्री इन इक्वेजन वन अब आपने ए वन ए टू एट थ्री की वैल्यूज़ को इक्वेजन वन में पुट करना है यहाँ पर ए वन की जगह आपने फाइव पुट कर दिया ए टू की जगह आपने पुट कर दिया टू और ए थ्री की जगह आपने पुट कर दिया थ्री तो इस तरह से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जो कि आपके पास सिंप्लीफाई होके कोई ये इस तरह की बनेगी ठीक यही थी एक एग्ज़ाम्पल आपके पास इसी तरह से आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल मौजूद है वो है आपके पास एग्जाम्पल टू रिजोल्व टू एक्स प्लस इन टू पार्शल फ्रैक्शन में डिवाइड करना, करना है तो 3, to, दोनों अब आपके पास नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं तो यहाँ भी एक्स स्क्सर है, है तो दो कॉन्स्टेंट इधर भी यूज होंगे दो कॉन्स्टिटेंट इसके ऊपर भी यूज होंगे तो एवन एक्स अपॉन एन एक्स प्लस ए टू अपॉन एक्स ए थ्री एक्स प्लस ए फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स अगर यहाँ स्क्वायर है तो ऊपर आपने इस तरह से दो कांस्टेंट यूज करने हैं एक के साथ एक्स यूज़ करना है और एक कांस्टेंट यूज़ करना है सिंपल ठीक अब आपके पास फोर कांस्टेंट है जो आपने फाइंड आउट करने हैं ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर आर अनोन कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड बाय मालच एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स टू बोथ साइड्स दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई किया टू एक्स प्लस सेवन इक्वल आ गया आपके पास जो डिनोमिनेटेड जिससे कैंसिल हो जाएगा दूसरा आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास ये कैंसिल हो गया तो ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो गया ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है अब आप अंदर सिंप्लीफाई करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके इस तरह से अब आपके पास टर्म्स बनेगी एक्स क्यूब के एक्स स्क्वायर की एक्स की X और कॉन्स्टेंट टर्म अब आपने क्या करना है बाईक् द लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइडन टू वी गेट आपने लाइक टर्म्स को इक्वेट करना है तो देखिए भाई ए वन ए थ्री एक्स क्यूब है ठीक है यहाँ पर एक्स क्यूब के टर्म है ही नहीं ज़ीरो के इक्वल है ए टू ए फोर एक्स स्क्वायर के टर्म है ही नहीं ज़ीरो के इक्वल है ठीक है ना अब यहाँ से करेंगे सिक्स ए वन प्लस थ्री ए थ्री एक्स के इक्वल एक है तो ये सिक्स ए वन प्लस थ्री ए थ्री बराबर है टू के और सिक्स ए टू प्लस थ्री ए फोर बराबर है सेवन के ठीक है यहाँ से अब आप क्या करेंगे यहाँ से आप निकाल सकते हैं वैल्यू ए वन की तो ए वन ये ए बराबर आ जाएगा माइनस ए थ्री के ठीक है इस तरह से अब आप पुट करेंगे यहाँ पर ठीक है देखिए यहाँ निकालिए उन्होंने वैल्यू वी गेट इस सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड फोर साइमेंटेनियसली वन और फोर को हम साइमेंटेनियसली सॉल्व करें ठीक है वन को नहीं यहाँ पर लिखना चाहिए था थ्री एंड फोर लिखना चाहिए था ए वन इक्वल आ गया आपके पास टू अपॉइंट थ्री के और ए थ्री इक्वल आ गया माइनस टू थ्री के सिमिलरली द वैल्यूज़ आर अच्छा इन्होंने देखिए डायरेक्टली करवाया आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं दिए और यहाँ इक्वेजन वन का यूज़ किया हालांकि इक्वेजन वन को हम यूज नहीं कर सकते एक वेजन वन तो ये है आपके पास ठीक है इसको मैं सिंप्लीफाई करवाती हूँ आपको देखिए जी किस तरह से करना है अब आपके पास ए वन प्लस ए थ्री इक्वल है आपके पास ज़ीरो के और ए टू प्लस ए फोर आपके पास इक्वल है ज़ीरो के सिक्स ए वन प्लस थ्री ए थ्री आपके पास इक्वल है टू के इसी तरह से सिक्स ए टू प्लस थ्री ए फोर इक्वल एज सेवन के ये वन ये टू ये थ्री ये फोर अब आपने क्या करना है आप ए इक्वेशन वन से एक ही वन की वैल्यू निकालिए तो ए वन इज इक्वल टू माइनस ए थ्री ये प्लस का ए थ्री उधर जाके माइनस का ए थ्री अब आप एवन की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन थ्री में ये भी आपके एक पास इक्वेजन थ्री हो जाएगी सिक्स एवन की जगह आपने पुट किया माइनस ए थ्री प्लस थ्री ए थ्री इक्वल है टू के प्लस माइनस माइनस सिक्स ए थ्री प्लस थ्री ए थ्री इक्वल है टू के थ्री ए थ्री में से सिक्स ए थ्री को माइनस किया तो माइनस का थ्री ए थ्री इक्वल है टू के माइनस का थ्री यहाँ पर मल्टीप्लाई है दूसरी साइड जाके करेगा डिवाइड तो आपके पास आ जाएगा माइनस का टू अपॉइंट थ्री यही वैल्यू आ रही है ए थ्री की अब यही ए थ्री की वैल्यू को हम पुट कर देंगे पुट द दे वैल्यू ऑफ ए थ्री इन अब इसको इक्वेजन का नाम नहीं दिया था तो यहाँ नाम दे ले फाइव का फाइव में ठीक है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो वन इज इक्वल टू माइनस ए थ्री तो ए थ्री ऑलरेडी माइनस का है माइनस माइनस प्लस हो जाएगी एवन की वैल्यू आ जाएगी टू पॉइंट थ्री इतने सारे स्टेप्स यहाँ पर स्किप हैं डायरेक्ट डायरेक्ट आपको सॉल्व करके वैल्यूज दी हुई हैं अब आपने यूज़ करना है वन और थ्री का आपने यूज़ कर लिया अब आपने टू और फोर का यूज़ करना है यहाँ से ए टू की वैल्यू निकाल लिया यहाँ पुट करनी है तो एक वेजन टू से हम निकालेंगे अच्छा मैंने वन टू का नाम दिया यहाँ पर नाम कुछ और दिए मैं तो उस हाथ से आप नाम दे लीजिएगा मैंने जस्ट वन टू थ्री फोर नाम दे दिए थे तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ ए टू प्लस ए फोर इक्वल है ज़ीरो के तो यहाँ से मैंने ए टू की वैल्यू निकाली माइनस का ए फोर और इस वाले को मैंने पुट किया इक्वेजन फोर में पुट एट इन इक्वेजन फोर फोर में पुट करेंगे तो फोर है आपके पास सिक्स ए टू प्लस थ्री ए फोर इक्वल है सेवन के ए टू की जगह आपने माइनस ए फोर पुट किया प्लस थ्री ए फोर इक्वल है सेवन के प्लस माइनस माइनस सिक्स ए फोर प्लस थ्री ए फोर इक्वल है सेवन सिक्स में से थ्री माइनस किया तो माइनस का थ्री ए फोर इक्वल है सेवन की थ्री यहाँ मल्टीप्लाई करा इधर आके करेगा डिवाइड ए फोर इज इक्वल टू माइनस सेवन अपॉन थ्री आ जाएगी आपके पास वैल्यू यही वैल्यू ए फोर की आपने पुट करनी है यहाँ पर इन इक्वेजन सिक्स सिक्स में आप करें तो आपके पास हो जाएगा ए टू इज इक्वल टू माइनस ए फोर आया माइनस सेवन अपॉन थ्री टेटू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सेवन अपॉइंट थ्री इस तरह से वैल्यूज आएंगी इतने सारे स्टेप्स करने के बाद आपको जो ये बुक में डायरेक्टली दे दिया गया है ना ठीक है इस तरह से नहीं होगा आपने बहुत ज़्यादा सिम्प्लीफिकेशन करनी है जब आपने सॉल्व करना है तो।, तो इस तरह से सिंपल आपने जो है वैल्यूज़ नहीं देख देनी क्योंकि आपको तो फाइंड आउट करना है तो आपको तो स्टेप्स तो आपके शो हो रहे होंगे ऑलरेडी अब क्या करेंगे आप जस्ट रेस करके क्या जस्ट वैल्यूज लिख देंगे नहीं इतनी मेहनत किए तो स्टेप्स को शो कीजिएगा अब आपके पास यहाँ पे कह रहे हैं फाइनली by पुटिंग द वैल्यूज ऑफ़ ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर एन ए क्वेश्चन वन अब फाइनली हम यहाँ पुट करेंगे सारे कॉन्स्टेंट की वैल्यूज को तो ये हमने पुट कर लिए ए वन ए टू ठीक है ए वन एक्स प्लस ए टू ए थ्री एक्स प्लस ए फोर अब ये माइनस की वैल्यूज थी इसलिए यहाँ पर माइनस आ रहा है अब आपने क्या करना है डिनोमिनेटर है आपके पास थ्री तो एलसीएम आ जाएगा थ्री ठीक है अब आपके पास इस तरह से होता है ना ए अपॉन बी अपॉन सी ए अपॉन बी डिवाइड हो रहा है किससे सी से, C से? तो सी यहाँ पर क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है तो ए पॉइंट बी डिवाइड किसान को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे सामने वाला पलट जाएगा ठीक है पलट गया अब ये बी सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी ये कॉन्स्टेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होकर आ रहा है ठीक है तो इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन हो गया आपने इस तरह से कर का स्टेप्स को सिम्प्लीफाई करके रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी काफी सारे अब जो है ना क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि अब आपने बहुत बहुत जो है ना ध्यान से करना है क्योंकि वो सिंपल से क्वेश्चन थे एक्सरसाइज ट्वेंटी पॉइंट वन ट्वेंटी वन पॉइंट वन में और ट्वेंटी वन पॉइंट टू है अब है थोड़ी सी कॉम्प्लीकेटेड क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पास वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं काफ़ी सारे सॉरी काफ़ी सारे कॉन्स्टेंट यूज हो रहे हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना है तो इन शाला नेक्स्ट वीडियो में जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर कमेंट कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ